अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम आपको जो है ना 33 फरंगी D का एरिया दिखाएंगे, और तो सेक्टर 33D में जो है क्या सूरत हाल हो गई है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलें हमारे साथ देखें कि क्या क्या कैसा हो गया एरिया। तो उल्टे हाथ पे मुड़ेंगे और यहाँ से जो है पूरा 33D स्टार्ट हो जाता है, और ये हालत देख सकते हो कि आप लोग किस तरीके से हालात हो गए हैं। रोडों की हालत बुरी है, सारी जगह की जो है रोडों की हालत बुरी है, अंदर की गलियों में। अच्छा, इस सोसाइटी में मतलब इस एरिया में भी जो है ना पानी का बड़ा इशू है, और यहाँ पे भी जो है ना वही मसले मसाइल हैं, ना सफाई ना सुथराई। अच्छा, यहाँ पर एक ना गवर्नमेंट स्कूल है, मैं आपको इस ग्राउंड का विज़िट कराता हूँ कि इसका विज़िट कराता हूँ कि ग्राउंड में कैसा सूरत हाल है। बंद करो हमें भाई गाड़ी। अब मैं आपको ये ग्राउंड दिखाता हूँ कि ग्राउंड कैसा है। तो आप लोग ग्राउंड देख सकते हैं कि ग्राउंड कितना ही गंदा हुआ है, यहाँ कोई काम नहीं है। अच्छा, ये गवर्नमेंट स्कूल है बड़ा, और ये देखें आप सारी गंदगी देख सकते हैं। ये भी ग्राउंड है, अगर ये सही हो तो बच्चे खेल भी सकते हैं, लेकिन क्या हालत देखें आप इसकी, क्या बुरी हालत हुई है। सारा गंदगी हुई है, ये देखें सारी गंदगी हुई है डी में। लोगों के नालों का पानी जो है इधर से निकल के ग्राउंड में जमा हो रहा है। तो चलें आप लोग और भी आगे दिखाते हैं। तो ये देखें कि आप ये देखें गड्ढे खुदे हुए हैं पानी की वजह से, बोरिंगें करा रहे हैं लोग। अच्छा, इधर का बोरिंग का पानी भी है ना बहुत ही बहुत ही बहुत ही खारा पानी है, कि आप जो है समझ लें कि देखें घर कितने ख़राब हो गए हैं, सेवरेज के लाइनें नीचे चली गई हैं। लेकिन बस इधर क्या है कि लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब आप देखें ये लोग भी तो टैक्स पे कर ही रहे होंगे ना, लेकिन इधर हालत देखें आप किस तरीके की हो गई। ये ग्राउंड में मैं समझ लें इस एरिया में ये रोड बन गया था, तो ये थोड़ा बहुत रोड सही है बीच का, बाकी पहले तो आपने देखा है कि क्या बुरी हालत हुई हुई थी एरिया की। तो बस दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह कि कहाँ तक ये एरिया चल रहा है। आप लोगों को ये अंदर का एरिया दिखाया जा रहा है। अच्छा, ये डी में जो है सबसे पुराना होटल है, और इधर आपको होटल पे जो है सामान मिल जाता है। बाकी ये देख सकते हैं कि आप लोग पुराने इलाकों में, आपको विजिट करा रहा हूँ कि इसके इलाकों के क्या सूरत हाल चल रही है, ये देखें। अच्छा, ये इंटरनेट वाले जा गया स्ट्रॉन्ग फाइबर का। तो आपको ये डी का इलाका दिखाया जा रहा है, यहाँ पर भी आप इलाका देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कपड़ा मार्केट है। तो आप लोगों को जो ना और अंदर की साइड दिखाएंगे कि गलियों में क्या सीन है। अच्छा भाई, ये डी का इलाका है, और डी के इलाके में हम लोग आ गए हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर आवाज़ें आ रही होंगी, ये धागा बनता है इधर, तो ये आप लोगों को आवाज़ें आ रही होंगी इधर की। लेकिन इधर के इलाके की हालत आप देखेंगे ना, ये पूरा ही जो है ना ख़राब है। हर जगह कचरा मट्टी धूल बहुत है, और ये रिहायशी इलाका है, ऐसा नहीं है कि कमर्शियल इलाका हुआ है। रिहायशी इलाके में इस तरीके से हालात हैं फरंगी के। तो अभी मैं आपको एक ग्राउंड और दिखाता हूँ, फरंगी में एक ग्राउंड और लगता था। और ये 33D का इलाका है, 33D का इलाका आपको दिखाया जा रहा है कि सूरत हाल क्या हो गई है। देखें हर जगह आपको गंदगी दिखेगी, हर जगह आपको गंदगी दिखेगी, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। ये देखें पूरा इलाका देख सकते हैं आप लोग कितना गंदा है। ये आप लोगों को मैं अगर उस साइड का दिखाऊं तो कितना पुराना इलाका है, लेकिन कोई काम नहीं है, सारा गंदगी है। ये देखें, ये आप देख लें, ये देखें सारा जो है गंदगी गंदगी भरी हुई। अब इससे जो जरस ही उठते हैं जो सामने वाले घरों में जब जाते हैं, और डेंगी मच्छर का जो मसले मसाइल होते हैं वो इसकी वजह से ही फैलते हैं, इतनी गंदगी की वजह से। तो ये इलाका है सामने जो है ना सारा, ये आपको कपड़े वाले दिख जाएंगे भाई जान। ये तो क्या क्या मसला है सर? तो मसलों की लाइन लगी हुई है। क्या क्या है फिर भी? सबसे बड़ा मसला यहाँ का ये है कि जो बैक साइड वाला एरिया है, ठीक है, वहाँ की कचरा कुंडी ख़त्म करने की वजह से वहाँ की आवाम आती है यहाँ पे, ये रोड पे कचरा डाल के जाती है, ठीक है। अब ये लेवल इस तरीके में पहुंच जाएगा, तकरीबन अगर ये एक हफ्ते में नहीं उठा तो ये आधा रोड कवर हो जाएगा आपका कचरे से। अच्छा, आधा रोड कवर हो जाता है कचरे की वजह से, या 33E की वजह से सिर्फ इधर मसला हो रहा है, ठीक है। यहाँ के जो लोग हैं वो शिफ्ट हो गए ग्राउंड में, और जो 33E वाले लोग हैं वो आ गए यहाँ पर। भाई देख लें भाई की जो है ना, ये भाई सही बोल रहे हैं कि हर जगह आपको अगर आप ये चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, अगर बड़े ड्रम रख दिए जाएँ तो लोग कचरा कुंडी ये ग्राउंड में ना बनाया जाए। अच्छा, सेवरेज का क्या मसला है? सेवरेज का निज़ाम माशाल्लाह यहाँ का कुछ ऐसा है, ठीक है, कि पुरानी लाइनें यहाँ पर हो चुकी हैं ख़त्म। सही है, वो बैठ गई हैं, टेढ़ी हो गई हैं। अब
पहले मोहल्ला ने अपने खर्चे के ऊपर यहाँ पर ओवरफ्लो का काम किया है, ठीक है। ये लाइन कुछ बची हुई थी तो आगे से जाके नाले के पास से वो चौक कर दी है, वो भी चौक कर दी है, वो भी चौक हो चुकी है भाई, वो भी चौक कर दी है। इसकी वजह से ये पानी जो है ग्राउंड में जा रहा है, पानी यहाँ पे रिटर्न आ रहा है और यहाँ से निकल रहा है। भाई ये देख लें आप, ये कंडीशन है। हम आप लोगों को पुराने एरिया दिखा रहे हैं। और भाई कितने साल पुराना एरिया है ये? भाई ये 78 का पुराना इलाका है और इधर कोई काम नहीं हुआ जा रहा है, कोई काम नहीं हुआ कोई। अच्छा, गैस पानी का मसला है इधर? पानी का मसला यहाँ पर इस लेवल का है कि पानी आता है इतनी मोटी धार से और वो आता है माशाल्लाह गटर। उफ भाई, भाई बोल रहे हैं कि इतना बड़ा पानी आता है, इतनी मोटी धार में आता है और गंदा पानी आता है गटर का, ठीक है। काला पानी है तो फिर खरीद के आप यूज कर रहे हैं आपको पानी? और गैस का इशू भाई पूरे कराची वाला मसला है वही। अच्छा, बिजली का ज्यादा मसला है या बिजली का नहीं है? बिजली का मसला यहाँ पर हमारे एरिया में है, सेक्टर 33 डी है, यहाँ का जो फीडर है यहाँ पर दिन में 4 दफा लाइट जाती है, 2 दफा 1.5 घंटे की जाती है, 2 दफा 2-2 घंटे की जाती है। ये लेवल है माशाल्लाह। रात को हम लोग थककर आते हैं 8 बजे 9 बजे तो लाइट नहीं मिलती हमें, फिर हम 12 बजे सोने के लिए लेटते तो भी लाइट नहीं होती, लाइट आती है रात को 2 बजे। भाई लाइट का बड़ा इशू है, आपने सुन लिया होगा भाई ने क्या क्या बता दिया आपको इस एरिए का। चलें आप लोगों को कुछ और आगे का एरिया दिखाते हैं कि ये डी पूरा डी लगता है, तो इस डी के बारे में दिखाते हैं और बताते हैं कि और क्या क्या कंडीशन है। अमीर भाई सीधा ले लीजिएगा। तो ये हम जो है आप लोगों को सारा विजिट करा रहे हैं कि 33 डी में किस तरीके का इलाका हो चुका है ये और कितना गंदा हो चुका है, इधर कोई इंतज़ामिया काम नहीं कर रही है। तो इस साइड पर आ गए, देखें दुकानों वाली साइड पर आ गए हैं और अब हम चलते जाएंगे और इस एरिया का देखेंगे कि इस एरिया में क्या सीन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एरिया किस तरीके का एरिया होता जा रहा है, बहुत ही गंदगी है इधर। बाकी हमारी कोशिश ये है कि आपको अंदर के इलाके दिखाया जाए। लोग बोलते हैं कि भाई बाहर के इलाके बहुत साफ हैं, जौहर वहर पे हर जगह काम हो रहा है, लेकिन ये कोरंगी के इलाके जो है इनमें कोई जो है जमात, कोई भी जमात जो है वो देख रही नहीं है कि इन लोगों के लिए भी जो है कुछ काम किया जाए। अब देखें ये एक ग्राउंड है और बाद में देख लें मस्जिद कितनी खूबसूरत है और इस ग्राउंड की भी हालत देखें आप लोग और इस एरिया की भी हालत देखें कि किस तरीके से। अच्छा, ये बाज़ार लगा हुआ है और आप लोग देख सकते हैं कि मस्जिद कितनी खूबसूरत है, लेकिन उसके सामने की जगह कितनी ही गंदी है कि कितने केमिकल, कितनी बीमारियाँ इधर से खुल रही हैं और लोगों में डिवाइड हो रही हैं और बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो चलें वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो को एंड करेंगे, उम्मीद करेंगे कि वीडियो अच्छी लगी होगी और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो में कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों को कौन सा एरिया एक्सप्लोर किया जाए। चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।